कांग्रेस नगर निगम जलकल विभाग कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को सफाई श्रमिकों की लंबित चली आ रही मांगों को लेकर नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल से मुलाकात की और कर्मचारियों के हो रहे शोषण को लेकर अवगत कराया। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने जल्द कर्मचारियों की समस्या के समाधान का आश्वासन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को दिया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष सिकंदर सिंह, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष धर्मराज माथुर, प्रदेश प्रवक्ता सनी राज, प्रधान संरक्षक आजाद सिंह, वाल्मीकि राजकुमार जादौन, बबलू चौधरी एवं अन्य कर्मचारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। मेरा नाम आजाद सिंह वाल्मीकि है। आज हमारे संगठन के द्वारा नगरायुक्त महोदय से प्रथम बार मुलाकात हुई है, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि हमारे कर्मचारियों को तमाम तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है और जो हमारे नगर निगम में बैठे संगठन चला रहे हैं वो अधिकारियों के पक्ष में होकर के काम कर रहे हैं, ना कि कर्मचारियों के। तुम्हें जब से एक अग्रवाल एंड कंपनी का कॉन्टैक्ट नगर निगम से हुआ है तभी से देखने को मिला कि इससे पहले CLCB भी रही, ओम मोटर्स रही, उन्होंने कर्मचारियों का कम से कम 1800 से 1900 रुपये PF में डाले जाते थे, लेकिन जब से अग्रवाल एंड कंपनी आई है 2 महीने 700-800 रुपये डाले हैं। उसके बाद में जो भी घोटाला चल रहा है जब से आज तक, ना तो इनका PF डल रहा है। और दूसरी मांग ये है कि हर व्यक्ति को अपने घर के काम के लिए एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो सबसे ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, तमाम VIPO को निकालते, उनको आज तक महीने में एक भी छुट्टी नहीं दी जाती है। तमाम तरह की समस्याओं को लेकर आज नगर आयुक्त जी से मुलाकात की है, उसमें से आज नगर आयुक्त जी को देखकर लगा कि कर्मचारियों के हित के लिए संवेदनशील हैं। उन्होंने तमाम बातें सुनते हुए कुछ मांगों को तत्काल कहा कि इनकी जो कर्मचारियों का भी आउटसोर्सिंग का 388 रुपये का वेतन प्रतिदिन के हिसाब से होना था वो कर दिया, इस महीने से मिलेगा। 4% संविदा कर्मचारियों का जो बढ़ना था वो, और मांगों के लिए उन्होंने कहा कि जो PF का मामला है उसके लिए मैं आज जो भी आउटसोर्सिंग के ठेकेदार बने हुए हैं उनको बुला करके उस पर भी चर्चा करेंगे। मैं चौधरी रामनाथ सिंह माथुर, उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकर विभाग कर्मचारी संघ कारवाक प्रदेश अध्यक्ष। नहीं, ऐसा नहीं है, पिछली बार भी हमने जब प्रदर्शन किया था तो पूर्व टीकाराम फुंडे नगर आयुक्त महोदय ने बात को स्वीकार की थी, लेकिन उसके उनके जो नीचे स्तर के जो बाबू और अधिकारी जो आते हैं वो बेहद लापरवाह और निष्क्रिय हैं। बड़े अधिकारी आदेश करते हैं लेकिन आदेशों की नीचे जाते जाते बहुत देरी हो चुकी होती है। इस कारण बस हमें पुनः नवनियुक्त नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल जी से मिलना पड़ा और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द बढ़ा हुआ 4% संविदा सफाई मित्रों का इसी माह की सैलरी में आपको दे दिया जाएगा। आउटसोर्सिंग का 388 रुपया रोज के हिसाब से आने वाली तनख्वाह में जोड़ दिया जाएगा। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो इस बार बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से धरना आज की सभा हमने आयोजित की है, अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो इस बार हल्ला बोल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सिकंदर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकर विभाग कर्मचारी संघ। लंबित बड़ी कई मांगों को लेकर के आज हम लोग नगर आयुक्त महोदय से मिले हैं और वार्ता के उपरांत ये चीज़ निकल करके आई है कि नगर आयुक्त साहब खुद इस चीज़ से परेशान है कि कर्मचारियों का शोषण आज नगर निगम में चरम सीमा पर है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी सबसे ज़्यादा इस उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं और उनके द्वारा यही आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द जो भी इसमें दोषी हैं, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो सुपरवाइजर हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस पर काम चल रहा है। देखिए, हमारे द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास एक खबर की गई थी कि आखिर क्या किस व्यापार पर इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है, क्योंकि उनके द्वारा जिस प्रकार से कार्य प्रणाली यहाँ चल रही है वो कर्मचारी हित में नहीं थी। इस पर भी उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि जब दूसरे डॉक्टर साहब नियुक्त हो गए हैं उस पर भी कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्द इसका भी निष्कर्ष होगा और आउटसोर्सिंग का सफाई कर्मचारियों को बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। चौधरी सनी राज, पूर्व प्रधान। आज किन बातों को लेकर मुलाकात की थी, क्या कुछ समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है? देखिए, संविदा सफाई कर्मचारी आउटसोर्सिंग परमानेंट जो सफाई कर्मचारी नगर निगम में कार्यरत हैं उनका बहुत ही शोषण कराया जा रहा है। जो कोई सफाई कर्मचारी परमानेंट जो ख़त्म हो जाता है उसके परिवार के आर्स नियुक्ति के लिए जब यहाँ फाइल चलती है, यहीं के कुछ दलाल हैं जो 4-4 लाख रुपए लेते हैं, उसे बहुत उसका शोषण करते हैं जब उसकी नियुक्ति हो पाती है। ये कॉकस है यहाँ पर अधिकारियों के, हमने नोटिस में ये करा है। आज उन्होंने जो मांग हमारी मानी है, एक तो
जो रविवार का अवकाश होता है उस पर उन्होंने विचार करने की कह दिया है। महंगाई भत्ता 4% उन्होंने उसे पास कर दिया है और भी हमारी लंबित मांगे के ही उन्होंने उस पर बिल्कुल बहुत विचारपूर्ण हमें भरोसा दिलाया है और हम ये आशा करते हैं अधिकारियों से भी अपने कर्मचारियों से भी कि अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहिए। जो हमारा संगठन है निरंतर ये प्रयास कर रहा है, हम कर्मचारियों के साथ खड़े हुए हैं। जो हमारे आजाद सिंह जी हैं जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, धर्मराज जी हैं जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं और भी अपने संरक्षक हैं, आजाद जी हैं।